हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप यू गाइस आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपको एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ, विच इज़ हाउ टू गेट टर्किश वीज़ा इन जस्ट 5 to 7 minutes। रियली? यस। इसके लिए कुछ शर्त होगी जो कि आप लोगों को माननी पड़ेगी, विच इज़ आप लोगों के पास वीज़ा या रेजिडेंट परमिट होना चाहिए US का, UK का, और चलेगा आयरलैंड का और किसी भी शेंगेन कंट्री का। आपके पास वैलिड वीज़ा या फिर रेजिडेंट परमिट होना लाजमी है, देन यू कैन गेट द वीज़ा, अदरवाइज नो वे। हाँ, रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ सिंगल एंट्री वीज़ा और इट्स वैलिड फॉर लाइक 6 months, ठीक है। और आपका जो स्टेइंग पीरियड होना चाहिए दैट शुड बी नॉट मोर देन 30 days, ठीक है। वो सिंगल एंट्री वीज़ा 30 days स्टेइंग पीरियड, एंड दिस वीज़ा इज जस्ट फॉर बिजनेस और टूरिज्म पर्पस, दैट्स इट। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि वीज़ा कैसे हम 5 से 7 मिनट के अंदर ले सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। सो यस, अच्छा गाइस, तो सबसे पहले यू हैव टू गो टू गूगल, तो वहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं अप्लाई टर्किश वीज़ा। तो उसके बाद आप लोगों को एक लिंक ऊपर जो पहले नंबर पे आएगा evisa.gov.dr, आप लोगों ने इसको क्लिक कर लेना है। और अगर आप इस तरह नहीं सर्च करना चाहते तो यू हैव टू गो टू, अगर आपने टिकट परचेज की है, ठीक है, तो वहाँ पे मैनेजर बुकिंग में जब आप अपना PNR और अपना सरनेम डालते हैं, अपनी बुकिंग खोलते हैं, तो एंड पे यू विल सी गेट योर टर्किश वीज़ा, ठीक है, अप्लाई फॉर ई वीज़ा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे, तो ये भी वही लिंक खोल देगा जो आप गूगल से डायरेक्ट खोलेंगे। तो जब आप लिंक खोलेंगे तो वो सबसे पहले आपका कंट्री, रीजन वगैरह, डेट ऑफ अराइवल वगैरह पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन स्टेप है दैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो थिंग्स विल गेट चेंज और वो आपको एंटर नहीं होने देंगे। जब आप ये चीज़ें फिल आउट कर लेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद आपसे वो मांगेगा टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि आप देख सकते हैं मैंने वीज़ा सेलेक्ट की और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम USA, क्योंकि मेरे पास USA का वीज़ा है, तो मैंने USA का वीज़े एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वहाँ यहाँ पर लिखा है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद वो हमसे कहेगा कि पेमेंट, तो पेमेंट इट इज़ $61.50, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, यूनियन पे से कर सकते हैं, अली पे, आई डोंट नो, लेकिन आप इनको एज दीज आर एज अ पेमेंट मेथड यू कैन यूज देम, ठीक हो गया। तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी आपके पास स्क्रीन पे शो आ जाएगा, तो आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा दैट इज़ योर पेमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, डाउनलोड योर ई वीज़ा, मतलब वीज़ा इज रेडी, दैट्स इट। और कोई काम नहीं, बस ये थे 5-7 मिनट। आप इतनी जल्दी अपना वीज़ा ले सकते हैं, मतलब अगर आपके पास US वीज़ा या कोई भी जो मैंने आपको बताई है कंट्रीज उनके वीज़ा या रेजिडेंट परमिट है, तो आप बहुत जल्दी वीज़ा ले सकते हैं टर्की का। नॉर्मली तो मतलब 15-20 दिन लग जाते हैं अगर वो एम्बेसी जाए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो एम्बेसी जाता है और फिर उसके बाद 15 दिनों बाद आता है, तो वो एक बहुत बड़ी क्वारी है। तो अगर आपके पास ये वीज़े हैं, ये रेजिडेंट परमिट है, तो इट्स वेरी इजी टू गो टू टर्की। तो यस, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।